बीते दिनों संसद में बजट 2022-23 की पेशकश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। इसमें कई चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए गए तो कई चीज़ों पर टैक्स घटाए गए, कई सामानों को सस्ता भी किया गया। बजट पास होने के दौरान बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता ये नज़रें गड़ाए हुए थे। इसी बीच जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया कि लिखा कि केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है परंतु बिहार के लिए निराशाजनक है, चूँकि बिहार की वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार जदयू करते हुए नजर आ रही थी। इसी बीच हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी बजट 2022-23 पर अपनी टिप्पणियां दी है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। सर आज बजट पेश हुआ, क्या कहेंगे? देखिए आज जो बजट पेश हुआ है तो वैसे तो वित्त मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत साहस करके इस तरह का बजट पेश किया है, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों की भला हो या सर्विस होल्डर को भला हो, ये सब कुछ बात नहीं। जैसे MSP के बारे में कहा गया कि उनके खाता में जाएगा, तो खाता में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे और सब चीज़ का हो रहा है कि खाता में जा रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब वो लॉलीपॉप है। फिर सबसे बड़ी बात और अपेक्षाएँ ये थी कि इनकम टैक्स के लिमिट को बढ़ाएंगे, आज कम से कम 5 लाख तक या 8 लाख जो भी है ऐसा बढ़ता तो लोगों को फ़ायदा होता, खास करके सर्विस होल्डर वालों को लेकर के, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। असंगठित क्षेत्र में हमारे किसान मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, ये सब काफ़ी संख्या में हैं, और साथ साथ इनके साथ ये भी है कि जो हमारे नेशनल इनकम है उसका अच्छा भाग वहाँ से मिलता है और लोगों को रोज़गार भी मिलने की बात होती है, तो उस सेक्टर को इन्होंने एक तरह से टच नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग मानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं गया। और फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात हर चीज़ को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंट किए हैं या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं, तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहां तक छिपाएंगे। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है और इससे किसानों को मजदूरों को कोई फ़ायदा होने की जरूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। द ओवरऑल शार्प रीबाउंड and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth.